आज का मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाना है। भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए अपनी 5 कमियों को दूर करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि भारत को यह मुकाबला जीतना है तो अपनी 5 कमी को दूर करना होगा। हम बताएंगे वह 5 कमी कौन सी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं विस्तार से 5 कमियों के बारे में। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप आज एक बड़ा मुकाबला खेलने जा रही है। टूर्नामेंट T20 भारत ने अब तक 3 मैचों से 2 मुकाबले जीते हैं। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए उसे बचे 2 मुकाबले जीतने होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ आज का मुकाबला अहम है। हालांकि T20 वर्ल्ड कप में आज तक बांग्लादेश ने भारत को नहीं हरा सका है। दोनों के बीच कुल 3 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। 2007 वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो बांग्लादेश ने टीम इंडिया को पटकनी दी थी। भारत को आज होने वाले अहम मैच 5 बड़ी गलतियों को दूर करना होगा। पहली कमी की बात करें तो टीम इंडिया अब तक 3 मैचों में पहले 6 ओवर के पावर प्ले में 40 रन का आंकड़ा नहीं छू सकी है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 31 रन, नीदरलैंड के विरुद्ध 1 विकेट पर 32 रन और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 विकेट पर 33 रन बनाए थे। दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है, ओपनिंग केएल राहुल का फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है। वे अब तक किसी भी मैच में 10 रन नहीं बना सके हैं। उन्होंने 7 की औसत से 22 रन बनाए हैं। 9 रन बेस्ट स्कोर रहा उनका। कप्तान रोहित शर्मा पर भी सवाल। कप्तान रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप के 8वें सीजन में कुछ कमाल नहीं कर सके हैं। वे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर नहीं बना सके हैं। हालांकि नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 53 रन की पारी खेली थी। वे अब तक 72 रन ही बना सके हैं। रोहित और राहुल की ओपनिंग जोड़ी ने अब तक क्रम में 7 और 11 और 23 रन की साझेदारी की है। बचे 2 मुकाबलों में उन्हें प्रदर्शन करना होगा।